हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास टेंथ विज्ञान विषय। हमारा चैप्टर टेंथ जो है वो चल रहा था विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। अब उसमें हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया था विद्युत धारा क्या है, और उसके बाद में हमने उससे न्यूमेरिकल कुछ किए थे, फिर विद्युत विभवांतर उनके बारे में, और विद्युत परिपथ में जो उपयोग में आने वाले कुछ उपकरण हैं उनके जो प्रतीक हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हमारे ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम्स, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये ओम का नियम कब किसने दिया था, 1826 में, 1826 में जॉर्ज साइमन ओम, 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। तो उनका आधार क्या था ओम के नियम देने का, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर, जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, ठीक है, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक तार में प्रवाहित धारा के मध्य उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। किसमें, चालक तार लिया और उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और चालक तार में प्रवाहित धारा के मध्य उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। इस संबंध को ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, जिसे उसने क्या नाम दिया, ओम का नियम नाम दिया। अब ओम का नियम है क्या, तो उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ओम का नियम इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोटाई भी इसको कह सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्या रहे, स्थिर रहे, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो हम क्या लिखते हैं, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये आपको ओम का नियम वो अच्छे से ध्यान रखना है। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, तो भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप है, दाब है, अनुप्रस्थ काट है, या उसकी लंबाई है, वो स्थिर रहनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वो चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में। तो इसको यदि हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ऊपर हमने जो मुख्य लाइन लिखी है, चालक तार के, माना चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V है, चालक तार में प्रवाहित धारा क्या है, आई हो, तो हम लिख सकते हैं यदि मान लो चालक तार के सिरों पर उत्पांतर, जैसे ये चालक तार है उसके सिरों पर उत्पान विभवांतर का मान क्या है, वी है, और चालक तार में प्रवाहित धारा का मान क्या है, आई है। तो ओम के नियम से हम कैसे लिख सकते हैं, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं, तो वी समानुपाती आई।
अब इस समानुपात के चिन्ह को जब हटाते हैं तो वहां पे एक नियतांक आता है, जैसे इसको हटाएंगे v, इसकी जगह बराबर r i, एक नियतांक आता है, उस नियतांक को क्या बोलते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध, R बराबर क्या है, चालक तार का प्रतिरोध। अब इसको आप एक नंबर दे सकते हो, समीकरण एक। अब परीक्षा में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में ये जो सूत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस सूत्र का उपयोग करके हम विभवांतर, प्रतिरोध और धारा के मान की गणना कर सकते हैं। जैसे यदि हमें विभवांतर ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या लगेगा, V बराबर R I, यहाँ पे V है विभवांतर, R है प्रतिरोध और I क्या है धारा। अब हमें निकालना है I का मान इसी सूत्र से, तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बटा R। तो एक सूत्र हमारा ये हो गया, तो इसके द्वारा हम I के मान की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं R, R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बटा I, R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा I। तो हमारे पास अब कितने सूत्र हो गए, तीन सूत्र हो गए। अब इन तीनों सूत्रों में हम अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे V का मान ज्ञात करना हो तो R इंटू आई, आई का मान ज्ञात करना हो तो V बटा R, और R का मान ज्ञात करना हो तो क्या लिख देंगे, V बटा I। तो ओम के नियम से ये जो सूत्र है इसका उपयोग जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनमें उपयोग किया जाता है। अब अगला जो आता है वो आता है कि ये प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, ये प्रतिरोध इसका मात्रक। ओम के नियम से हमने प्रतिरोध है उसको ज्ञात किया, अब हम देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक। तो अगला पॉइंट होगा प्रतिरोध का मात्रक, ओम के नियम से हमने पढ़ा आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई, और हमें पता है वी, वी यहां पे क्या है, विभवांतर, विभवांतर, और आई क्या है, धारा, क्या है, धारा। तो V की जगह विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, जो हमने पीछे देखा था विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा, धारा का मात्रक हमने पीछे देखा था क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट बट्टा एम्पियर, क्या हो गया, वोल्ट बट्टा एम्पियर। और ये किसके बराबर होता है, इस प्रतिरोध की खोम, जो खोज है वो किसने की थी, जॉर्ज साइमन ओम ने। तो उसके समान पे जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या रखा जाता है, ओम, और ओम जो है इसका प्रतीक है वो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये प्रतीक होता है और प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, ओम, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा जो है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ये तीनों मात्रक है उसको हमें अच्छे से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखेंगे, तो हमने ओम, प्रतिरोध है उसका मात्रक है वो हमने प्राप्त कर लिया, तो तीन हमारे मात्रक हो गए, उसके बारे में हमें आगे तक ध्यान रखना है। अब अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा एक ओम की परिभाषा। तो एक ओम को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो अगला पॉइंट आएगा एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा। तो एक ओम को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे।
तो हमने अभी सूत्र पढ़ा R बराबर V बटा I, R बराबर क्या V बटा I, यदि V बराबर क्या मान ले, यदि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर हो तो R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम, R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं थ्योरी के रूप में, तो हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब R बराबर V का मान हम क्या रखते हैं 1 वोल्ट और I का मान क्या रखते हैं 1 एम्पियर, क्या रखें 1 एम्पियर, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो प्रायोगिक सत्यापन हम किस प्रकार कर सकते हैं ओम के नियम का, तो अब अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है उसका नाम है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, तो प्रयोग के आधार पर हम इसके नियम को किस प्रकार से सत्यापित जो है वो कर सकते हैं। तो ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, बैटरी या सेल, पहली हमारी आवश्यकता होगी बैटरी या सेल। सेकंड हमें चाहिए धारा नियंत्रक एमीटर, वोल्टमीटर, उसके बाद में जैसे प्लग कुंजी की भी आवश्यकता होती है और एक चालक तार। तो क्या चाहिए, प्लग कुंजी और चालक तार। तो हमारे पास ये उपकरण है उसके प्रतीक हमने पहले पढ़ लिए थे, तो अब इसके आधार पे हम ओम के नियम जो है उसका प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। तो हम प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमें एक सामान्य जो परिपथ है उस परिपथ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इसको, ये सेल, ठीक है, उसके बाद में ये कुंजी, ये धारा नियंत्रक, ठीक है, उसके बाद में ये एमीटर, ये चालक तार, ये वोल्टमीटर, इसको आप ए और इसको बी,
और इसको इस प्रकार से मिला दिया। तो ये हमारे क्या हो गया, एक सामान्य विद्युत परिपथ हो गया। तो ये किसको डिनोट करेगा, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। अब जब इसका प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है तो इसे थ्योरी के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, तो इसे लिखना पड़ेगा चित्रानुसार। बैटरी कुंजी, इसको बी लिख दो, इसको के, इसको आर एच, इसको एमिटर और ये चालक तार। चित्रानुसार बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक एमिटर और चालक तार जो है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एच एमिटर ए और चालक तार ए बी, उन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा इस चालक तार ए बी के समांतर या पार्श्व क्रम में किसको जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है। ये इसका परिपथ की बनावट हो गई। क्या हो गई, बनावट। अब इसको हम सिद्ध किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए हमें ये पता है कि इस परिपथ में बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, इस परिपथ में बैटरी के द्वारा चालक तार में धारा का प्रवाह किया जाता है और धारा के मान को एमीटर के अंदर पढ़ लिया जाता है। यानी जब बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो विद्युत धारा की जो रीडिंग आती है उस रीडिंग को एमीटर के द्वारा नोट कर लिया जाता है। धारा के प्रवाह के कारण चालक तार के सिरों पर विभवांतर होता है और इस उत्पन्न विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है या नोट कर लिया जाता है। फिर आरएच के द्वारा यानी धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है और धारा के मान को बढ़ाने के दौरान जो बढ़ी हुई धारा है उसको किससे नोट कर लेते हैं, एमीटर से नोट कर लेते हैं, जिसके कारण इस चालक के तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है उसके मान में परिवर्तन होता है, तो उस मान को भी हम वोल्ट मीटर से नोट कर लेते हैं। इस प्रकार हम धारा के मान को लगातार बढ़ाते हुए और एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों को नोट कर लेते हैं और प्राप्त पाठ्यांकों के आधार पे हम जब विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो इसके कारण ये स्पष्ट होता है कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस ओम के नियम है उसका प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। तो जब ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है और इस सीधी रेखा के आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि चालक तार में उत्पन्न चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक तार के में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जो ग्राफ आता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और इसके आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि विभवांतर V धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है और इसके आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि विभवांतर V और जो I है उसके मध्य जो ग्राफ होता है वो सीधी रेखा प्राप्त होने के कारण V और I एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात यदि हम परिपथ में धारा के मान को इंक्रीज करते हैं, उसके मान को बढ़ाते हैं, तो विभवांतर है उसके मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और यदि धारा के मान को कम करते हैं तो विभवांतर जो है उसका मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में ओम का नियम को अच्छे से समझा
और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है, उसको अच्छे से जाना। और कल का जो हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो में हम ओम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लेते हुए, जो चालक तार का प्रतिरोध है वो किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम ओम के नियम के कुछ न्यूमेरिकल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको हल करते हैं। तो जैसे एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसको हम हल करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, यदि किसी चालक तार में, तो क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो धारा का मान कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। तो चालक तार यानी 2 एम्पियर धारा है तथा प्रतिरोध का मान 10 वोल्ट है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ओम के नियम से पढ़ा था V=RI। तो हमें देख क्या रखा है, ओम का नियम से हमारे पास दे रखा है I=2 एम्पियर, ठीक है, और V=10 वोल्ट, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, R। तो हम निकाल सकते हैं R = इस सूत्र से V/I। तो R = V का मान हमारे पास कितना है, 10, और I का मान कितना है, 2, तो कितना जाएगा, 5। तो R का मान, R = क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो इस प्रकार जो प्रतिरोध है उसका मान कितना जाएगा, 5 ओम। तो इस प्रकार हम जो क्वेश्चन है उसको आसानी से हल कर सकते हैं।